मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मेरी तरफ से तो भाई सॉरी है। ट्विटर स्पेस में हुई कंट्रोवर्सी के बाद कटारिया ने मांगी मनीषा और एल्विशा फैंस से माफ़ी। एल्विश यादव के सबसे अच्छे दोस्त कटारिया की हुई सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के क्लोज फ्रेंड कटारिया को तब से ही फैंस ट्रोल कर रहे जब से कटारिया ने ट्विटर स्पेस में आके मनीषा का नाम लिया था। हालाँकि यहाँ पर मनीषा रानी को किसी भी तरह से अगेंस्ट में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। कटारिया ने हमेशा ही मनीषा को सपोर्ट किया है। इवन कटारिया को पता है कि वो एल्विश यादव के सबसे क्लोज फ्रेंड हैं। बिग बॉस में अगर किसी का रिलेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था तो वो एल्विश और मनीषा का था, जिसमें कटारिया ने हमेशा से ही एल्विशा फैंस हो मनीषा रानी को सपोर्ट किया है। अब कटारिया को आकर खुद ब खुद क्लेरिफिकेशन देना पड़ा है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है कटारिया को 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर हेट मिल रहा है। लगातार फेक हिंदुत्व का नारा लगाया जा रहा है, कटारिया को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोलिंग होनी भी चाहिए। कटारिया से कुछ गलतियां हुई हैं जिसको लेकर कटारिया ने अपने फैंस से माफ़ी मांगी है, एल्विशा फैंस से, मनीषा फैंस से। मैं चाहूँगा ये छोटी सी क्लिप है, इसको एक बार को आप ज़रूर सुनिए। अभी बताता हूँ, कल आई वॉज इन अ स्पेस, वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी जिनको ऑब्वियसली मैं पार्ट था, पर क्या वो चीज़ मैंने अपने मुँह से बोली, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप 5 लोगों के बीच में बैठे, कोई बोल रहा है आप उसका पार्ट हो, आप इक्वली दोषी हो, नो डाउट। पर भाई देख तो लिया करो यार, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। मेरे को देखो, सिंपल सी बात है, आप लोगों की चढ़ान वाले, आप लोगों की गिरान वाले, मैं पूरी इज्जत करता हूँ आप लोगों की। मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मेरी तरफ से तो भाई सॉरी है, पर स्टिल अगर आपको कुछ सोचना है तो भाई सोच लो। अब मैं इसमें क्या सफाई देता डोलूंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है जी, भाई मनीषा जी की बहुत रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। अबे हमने गाना किया भाई, हमने सब कुछ किया, उनसे खुद जाकर तो पूछ लो कि मैं जब सामने से मिला था तो मैंने किस तरीके से बात करी थी, एक बार खुद जाके पूछो। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। बाकी अब लोग देख लो भाई, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं तो कमेंट सेक्शन ऑफ भी नहीं करता, क्योंकि भाई एक उस पे आने के बाद आपको पता है भाई, जनता को जो सही आपको बुरी लगी बात, ठीक है भाई मेरी तरफ से सॉरी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं अगर आपको बुरी लगी तो। पर अब मैं ये थोड़ी बन जाऊंगा यार, अगर मेरे को किसी बात पे हंसी आ रही तो क्या होगा, इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करी भाई। आप एक बार मनीषा जी से जाके पूछो, जिसकी बात होती है तुम्हारे फैन पेजेस में से, पूछो एक बार कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। विशाल भाई से भी बात होती है मेरी, उनसे भी बात होती है, खूब बात हो यार काम के रिलेटेड भी वैसे भी, ठीक है ना। तो ऐसे बुरा मत मानने किसी चीज का और मिसअंडरस्टैंड मत किया करो, ठीक है ना। तो जी हाँ, जो लोग भी हैं जो बार बार हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना ही एल्विशा फैन से, ना ही मनीषा के फैन से, ना ही एल्विश आर्मी से हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए चेसिंग, क्लाउड चेसिंग कर रहे हैं। जिसके बाद कटारिया ने एक बार फिर क्लेरिफाई किया है कि मनीषा को वो कैसे हेट कर सकते, भाई मनीषा को तो एल्विश यादव भी कुछ नहीं बोल सकते। तो आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि कटारिया की तो क्या ही औकात है कि कटारिया मनीषा को ट्रोल करेगा या फिर मनीषा के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देगा। फिर भी कटारिया ने ये बात क्लियर करके फैंस का दिल तो वाकई में जीत लिया है कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और कटारिया ने ये सबके सामने कहा है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से कटारिया को हेट कमेंट आ रहा था, जिसके ऊपर एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या वजह थी जिसके चलते कटारिया को हर तरफ से ट्रोल किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, कटारिया को भी अब थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, कटारिया को समझना चाहिए कि ट्विटर स्पेस में आना ना आना, कहाँ आना है, क्या बोलना है, ये थोड़ा सा उनको प्रोफेशनल चीज़ें सीखनी होगी। आई होप सो कि कटारिया इन द नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि कटारिया ने मनीषा के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन मनीषा के फैंस ऐसे कट्टर फैंस हैं कि अगर मनीषा के अगेंस्ट कोई भी बातें बोल दी जाए तो वाकई में उसकी ट्रोलिंग तो बनती है। तो एक बार फिर एक एग्जाम्पल सेट हुआ है मनीषा के फैंस की तरफ से, एल्विशा फैंस की तरफ से, जिसके बाद कटारिया ने विद डू रिस्पेक्ट मनीषा फैंस से जो माफ़ी मांगी है, वाकई में फैंस का दिल जीत लिया है। आप बताना कमेंट बॉक्स में कटारिया के इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।